वेलकम टू सैन गुरुकुल। आई होप आपने पिछला लेसन अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। पिछला लेसन तो एक ही स्ट्रिंग पे था तो वो काफ़ी ईजी था, लेकिन आज जो हम सरगम टू करने वाले हैं ये तीन स्ट्रिंग पे। तो सरगम टू करने से पहले दो चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो पहला चीज़ है प्लकिंग, 3 2 1 2, ठीक है। सारा स्ट्रिंग ओपन है, थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, 3 2 1 2, 3 2 1 2। और जब भी आप लीड बजाते हो ना, इधर आप ये फिंगर को गिटार के बॉडी पे रेस्ट कराओ, या ये जो पाम का एंड वाला एज वाला पोर्शन, इसको ब्रिज पे रेस्ट करा सकते हो ना, दोनों में से एक आप निकलना ही है, हवा में रखे इसको नहीं बजाना है, ठीक है। मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं ब्रिज पे रखता हूँ, ठीक है। तो 3 2 1 2, फर्स्ट आपने देख देख के बजाने, 3 2 1 2, 3 2 1 2, 5 बार 10 बार 20 बार आपको देख के बजाना है। और जब लगे कि हाँ बिना देख के बजा सकता हूँ, उसके बाद सरगम बजाना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप लीड प्ले करते हो तो हमेशा फ्रेट बोर्ड की तरफ देखना है, साउंड बोर्ड की तरफ कभी नहीं देखना है, ठीक है। क्यों नहीं तो छूट जाएगा टाइमिंग, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया प्लकिंग, 3 2 1 2, 3 2 1 2, ऐसे ही मतलब एक एक स्ट्रिंग ऊपर शिफ्ट कर देना, फिर 4 3 2 3, फर्स्ट हमने देख के बजाना है, फिर बिना देखे, 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4, एंड लास्ट 6 5 4 5, इसको रोज प्रैक्टिस करना। और एक चीज आपने प्रैक्टिस करना है, यह है फिंगर एक्सरसाइज। तो इसमें सिंपली आपने प्ले करना है 6 स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर, थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर, फोर्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर, सेम चीज फिफ्थ स्ट्रिंग पे भी, फोर्थ पे, थर्ड पे, सेकंड, फिर यहाँ से वापस। आप स्लो स्लो भी कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम स्लो जाना, बस कोई नोट मिस नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर साउंड आना चाहिए, ठीक है। फिंगर एक्सरसाइज कम से कम एक दिन में आपको 20 बार करने हैं, तब आपकी लीड अच्छी बजेगी, ठीक है। ये दो चीज़ आपने कर लिया, एक तो वो प्लकिंग, ये 3 2 1 2 3 2, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों को अच्छे से करने, उसके बाद सरगम टू पे। तो सरगम टू ऐसे, फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे सा है, फिफ्थ स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे रे, गा के लिए फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, मा के लिए फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, पा के लिए फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, धा के लिए थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, नी के लिए थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, और सा के लिए थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, ठीक है। यहाँ से वापस, इसका नोट आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सरगम टू है इसका भी नोट, तो आप अच्छे से वहाँ पे देखना, फिंगर भी वहाँ पे मेंशन होगा, स्ट्रिंग भी मेंशन होगा, और फ्रेट भी मेंशन होगा। ये थोड़ा सा टफ होगा, फर्स्ट जो फर्स्ट सरगम हमने सीखा था कि वो एक ही स्ट्रिंग के साथ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग बदल रहा है, ठीक है। जब आप सरगम प्ले करते हो तो एकदम स्मूथ फ्लो में जाना चाहिए ना, ऐसे धीरे धीरे आप बाद में स्पीड बढ़ा भी सकते हो ना। स्टार्टिंग में शायद ऐसा साउंड करेगा, इसको आपने इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे साउंड करना चाहिए ना। जब ये कट कट के जो साउंड आ रहा है, तो अगर ऐसे ही आदत रह जाएगा तो जब गाना प्ले होगा ना, तो वो गाना भी कट करके सुनाई देगा, मतलब कि अच्छा सुनाई नहीं देगा। इसलिए आपने एकदम कंटिन्यू फ्लो वाला, बाद में आप स्पीड ऑटोमेटिक ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई दिक्कत होती है प्ले करने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।